जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव किस मुद्दों पर लड़ना चाहिए था, उनके रिपोर्ट कार्ड क्या होने चाहिए थे, उनकी आने वाली घोषणाएं क्या होनी चाहिए थी, इसके ऊपर होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है प्रधानमंत्री जी को भी और राहुल गांधी को भी। नोटिस का कारण सिंपल था कि कोई भी जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल ना हो। अगर आपने 5 साल, 10 साल या 55 साल आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके उनके आधार पर ही वोट आपको निर्धारित करेंगे कि आप आने वाले योग्य हो या नहीं हो। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज मैंने सोचा लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा की जाए। मेरी चिंता और चर्चा, शायद आपकी भी चिंता हो और आप भी इस पर चर्चा करना चाहते हो और सच सुनना चाहते हो कि असल में सच है क्या। पहले सच ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव किस मुद्दों पर लड़ना चाहिए था, उनके रिपोर्ट कार्ड क्या होने चाहिए थे, उनकी आने वाली घोषणाएं क्या होनी चाहिए थी, इसके ऊपर होना चाहिए था। पर आज भारत देश, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, दो धड़ों में फिर से बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कि आपकी संपत्ति को बांट दिया जाएगा, आपके सोने को, आपके मंगलसूत्र को, सबको ले लिया जाएगा, इस प्रकार के आरोप। और घोषणा पत्र के भी आरोप किस लगे हैं कि घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लिखा है कि आपकी संपत्ति को आपसे छीनकर अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इसमें अल्पसंख्यक ना बोल के सीधे मुसलमानों का नाम लिया है, जिस पर चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है प्रधानमंत्री जी को भी और राहुल गांधी को भी। नोटिस का कारण सिंपल था कि कोई भी जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल ना हो। पर मेरी चिंता यह है कि देश में आज चुनाव जिस मुद्दे पे होना चाहिए था, जो मैंने बार बार अपने हर प्रोग्राम में, मेरे सहयोगी काजोल ने और मैंने भी कई प्रोग्राम में ये बोला कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव होना चाहिए था। अगर आपने 5 साल, 10 साल या 55 साल आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके उनके आधार पर ही वोट आपको निर्धारित करेंगे कि आप आने वाले योग्य हो या नहीं हो। पर चलिए, कुछ से पहले मैं आपको कुछ बयान सुनवा देता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा। तो आप पहले इनके बयान सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा हम खोलते हैं। उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ
परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है? आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। मुझे फ्रेंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। बहकी बहकी बातें, पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है, और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो आपने सुना प्रियंका गांधी को, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपनी दादी की, अपने पिता की, अपनी माता का मंगलसूत्र की बात की, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी हमेशा एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं। हम ये कहीं नहीं नकारते कि प्रियंका गांधी के परिवार या गांधी परिवार ने बलिदान नहीं दिया, बलिदान दिया है तभी तो 400 पार हुए थे। ये बात सोचने की है, तो क्या हर बारी उस बलिदान के बेसिस पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्या इंदिरा गांधी ने जो अपने ज्वेलरी रखी थी, जो बोलते हैं युद्ध के लिए अपना सोना गिरवी रख दिया था या सोना दान कर दिया था, तो क्या सिर्फ इंदिरा गांधी ने किया था? पूरे भारत देश ने किया था। और बार बारी इमोशनल कार्ड खेलना देश के लिए ठीक नहीं है। ये प्रियंका गांधी के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, जो तीनों की तीनों इस कटघरे में खड़े होते हैं, इमोशनल कार्ड खेलना बंद करें। आप अगर बात करना चाहते हैं तो अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात करें, जिसके बेसिस पे ये इलेक्शन होना चाहिए था। शिक्षा विकास मॉडल पे बात होनी चाहिए थी, रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए थी, और आपने क्या क्या किया, आपके किसी काम से नकारा नहीं जा सकता। जहां आपने अपने पिछले घोषणा पत्र में जिस प्रकार से आपने घोषणाएं की थी, धारा 370 हटाने की, राम मंदिर बनाने की, महिलाओं को सम्मान दिलाने की, आपकी किसी बात से कोई नकार नहीं सकता। आप इन पर मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी को सुझाव था कि अगर इनमें कोई खामियां थी, आप उन खामियों को लेकर आगे बात कर सकते थे कि इन्होंने इन सबको करा पर इसमें ये खामियां थी, इनको हम सुधारेंगे, इस पर बात होनी चाहिए थी। पर हमारा भारत देश आज दो भागों में फिर से बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से एक बारी फिर वही बात देश दुनिया में उठ रही है कि भारत फिर से दो भागों में बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा सा आरोप लगाया कि बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर लिखा है कि वो आपकी संपत्ति को बांट देंगे, आपके सोने को बांट देंगे, जो कि ऐसा कुछ घोषणा पत्र में देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर धन्यवाद जताया प्रधानमंत्री का कि आपके झूठ के कारण कम से कम लोगों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा, और जो कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर अल्पसंख्यक वर्ड यूज हुआ था उस पर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे से मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। देश में ये बांटने की राजनीति
ये अपने आप में खतरनाक है। जबकि इस साल कम से कम 20% लोग नए वोटर के रूप में उभर रहे हैं। अब इन नेताओं को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो जो आने वाले नए बच्चे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहे हैं, क्या वो सही में इन हिंदू मुसलमान की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि उनको विकास दिखता है, उनको विकास चाहिए, उनको नौकरियाँ चाहिए, उनके घर में सुरक्षा चाहिए, उनकी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, उनकी माताओं बहनों को सुरक्षा की ज़रूरत है। वो शायद इस मुद्दे पर वोट देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का है, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि कौन किस जाति का है और कौन किस जाति से बिलोंग करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, गरीब पिछड़ों का विकास होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है, सबको समान अधिकार भी मिलना चाहिए, पर राजनेताओं का काम उनको भड़काने का नहीं होना चाहिए था। ये दोनों ही तरफ से पार्टियों की गलती है। मुझे लगता है कि बीजेपी की गलती इसमें ज़्यादा है, जहाँ पर कि उन्होंने अपने डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़कर हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए हैं। ऐसे कई बयानबाजी इस प्रकार के हो रहे हैं जहाँ पर हिंदू मुसलमान सीधे सीधे आमने सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी इस पर बनती है कि आप इसको दो धड़ों में ना बंटने दें, अपने मतदान का सही प्रयोग करें। आप मतदान करने जरूर जाएं, आप भले ही किसी को वोट ना दें, वहाँ पर एक बटन आपको किसी ना वोट देने का भी है। आप अपनी नाराज़गी वहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, पर घर बैठकर किसी को वोट ना देना ये कोई सही तरीका नहीं होगा। इसलिए नाराज़गी व्यक्त करने भी वोट देने जरूर जाएं। तो आपको चुननी है अपनी सरकार, तो कल है दूसरा चरण, तो घर से निकलिए, छुट्टी ना मनाइए, तो ये आपको सोचना है। भारत एट नाइन में सबको जागरूक करने का काम किया जाता है, सही मुद्दे, चाहे सरकार गलत हो सही हो, अपोजिशन सही हो गलत हो, इन सब के ऊपर बात होती है। तो इस तरह से आप अपने आप को जागरूक रखें और सही सरकार चुनें। तो भारत एट नाइन में आज इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।